मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यू आर देवेश पराशर. यस सर. प्लीज टेक अ सीट देवेश. थैंक यू सर. व्हाट डज योर नेम स्टैंड फॉर? इट्स रादर इंट्रीगिंग. सर देवेश पराशर का देवेश का अर्थ है सर. सॉरी आप हिंदी में साक्षात्कार देंगे. हाँ बताएं जरा देवेश का क्या अर्थ क्या है. सर देवेश का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वो देवों का देवताओं का जो ईश है भगवान इंद्र के लिए ये उपयोग में लाया जाता है. तो अपना परिचय दे थोड़ा. सर मेरा नाम देवेश पराशर है. मैं राजस्थान के अलवर जिले से आता हूँ. मेरी स्कूलिंग अलवर से ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस में जयपुर से किया है. इसके अलावा सर उर्दू पोइट्री पढ़ना, गज़लें लिखना और लॉन्ग वॉक करना ये कुछ मेरी हॉबीज़ हैं सर. तो सिविल सर्विसेज में क्या आकर्षण है आपके लिए? क्यों जाना चाहते हैं इस एरिया में? सर सिविल सर्विसेज एक हमें डाइवर्स सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम एक तरह से सरकार का अंग बन करके उसके साथ काम करते हैं या फिर जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट मैं अपने एरिया में देखता हूँ कि ये होना चाहिए या फिर अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये करूँ तो वो हम एक सीधा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में. सर इसके अलावा ये कैरियर ग्रोथ के रूप में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सर. CBDC इसका पूरा फॉर्म बताएं. CBDC सर इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. वेरी गुड. तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें. सर जैसे कि अभी फ़िलहाल जो क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसीज हैं उनका दौर बढ़ रहा है तो ये सभी जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे भारत में RBI तो उसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करी है जो कि जिसको रेगुलेट किया जा सकता है. क्रिप्टो करेंसी में मेन चीज़ है कि उसका कोई रेगुलेशन नहीं कर पाता है तो ये CBDC का रेगुलेट होगा. पर ऑलरेडी ना हम लोग के पास ये UPI है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. तो डिजिटल करेंसी में क्या फ़ायदा है जो UPI में नहीं है? सर डिजिटल करेंसी का मेन उपयोग जो होगा ये है कि ये थोड़ा सिक्योर सर ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी के लेवल पर जो कि सिक्योर होता है. जो ट्रांजेक्शन जो है वो फास्ट हो जाते हैं सर इसमें. UPI जब ऑलरेडी अवेलेबल है तो डिजिटल करेंसी की क्या ज़रूरत है? ये हमारा प्रश्न था. सर UPI जो है उसमें एक तरह से हम उसमें जो फिजिकल जो करेंसी है उसकी नीड काफ़ी कम हो जाती है सर CBDCs में. तो ये एक मैं रीज़न समझ पा रहा हूँ सर इसका. ठीक है, फीडबैक में ज़रा हम लोग इस पर विचार करेंगे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इसके बारे में सुना है आपने? प्रकाश डालें 3-4 वाक्यों में. सर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो ये है कि अभी के जो औद्योगिक जो ज़रूरतें हैं खास करके जैसे ऑटोमेशन है जिसमें हम AI का यूज़ कर सकते हैं, डेटा सेंट्रिक होकर के हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कर सकते हैं. तो इसमें ये सब चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ज़्यादा होगा सर. एक टर्म है सोशल ऑडिट. ये रेगुलर ऑडिट और सोशल ऑडिट में क्या फ़र्क है, थोड़ा इसके बारे में बताएं. सर रेगुलर ऑडिट ऐसा है कि जैसे हम कोई भी काम करा उसके बारे में जो डेटाज हैं या फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ऑडिट किया जाता है. सोशल ऑडिट में है कि हम जो जनता को शामिल करते हैं जिस वर्ग के लिए ये टारगेटेड अप्रोच करी जा रही है उस वर्ग को शामिल करके उनसे हम वो चीज़ें करते हैं कि उनसे फीडबैक लेते हैं हम कि कितना काम हुआ या फिर जो एक तरह से ग्राउंड लेवल पर कितना काम हुआ तो उस चीज़ को हम देखते हैं सर. देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले एक लॉ इनैक्ट किया कि ऑल गवर्नमेंटल स्कीम्स विल बी सब्जेक्ट टू सोशल ऑडिट? कुछ आइडिया है आपको? सर इस बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा मैं. मेघालय. जी सर. थैंक यू सर. फाइनल क्वेश्चन. ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स मैक्स वेबर ने जो बताए थे उनको ज़रा आप बता पाएंगे, प्रकाश डालेंगे कुछ? मैक्स वेबर कौन थे? सर एक ये पाश्चात्य विचारक थे. मैं माफ़ी चाहूँगा सर इस बारे में मेरी जानकारी सीमित है. मैंने मैक्स वेबर को पढ़ा नहीं है ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में सर. थैंक यू देवेश. आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है. अगर डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक ले पर्सन को समझाना हो, एक कॉमन आदमी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे?
सर इसे सिंपल लैंग्वेज हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो किसी भी चीज़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखा जाता है, और इंटीग्रेशन है उसमें हम कि बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एक साथ समेट करके देखते हैं हम। तो ये कोई एग्जांपल दीजिए, इससे सारा समझ में नहीं आएगा। सर इसका उदाहरण अभी फिलहाल मैं सोच नहीं पा रहा हूँ सर, माफी चाहूँगा। मैथ्स में 2023 में नोबेल प्राइज किसको मिला था? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। नोबेल प्राइज मैथ्स में मिलता है या नहीं मिलता? सर इस बारे में मुझे जानकारी है नहीं सर। ओके, इंडियन फिलॉसफी और इंडियन कल्चर अगर हम कहें तो क्या दोनों एक चीज़ है, और अगर नहीं तो किस तरह से डिफरेंट है? सर दोनों जो इंडियन कल्चर है और इंडियन फिलोसोफी है वो काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। जो हमारा इनमें एक मेजर फ़र्क है कि हम जो इंडियन कल्चर जो चीज़ हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं उसकी एक तरह से थ्योरेटिकल जो व्याख्या है वो फिलोसोफी में की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे थिंकिंग की चीज़ ज़्यादा है वो फिलोसोफी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कल्चर में हम इंडियन फिलोसफी इंडियन कल्चर का सबसेट है या इसका उल्टा है? कौन किसका सबसेट है? सर इंडियन फिलोसफी इंडियन कल्चर का सबसेट मैं मानता हूँ सर इसे। तो इंडियन कल्चर का कौन सा पार्ट है जो कि इंडियन फिलोसफी का सेंट्रल पॉइंट है? सर जैसे भारतीय संस्कृति जो है दो तीन मेजर बिंदु हैं जहाँ पे सर, जैसे आस्था है, जैसे हमारे भारतीय दर्शन में भी फिलोसॉफी में जो है उसमें हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं, और जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म कर्म पुरजन्म का सिद्धांत है, ये हमारे दर्शन में भारतीय संस्कृति में माना गया है और अधिकांश दर्शनों ने इसको स्वीकार भी किया है भारतीय दर्शन में सर। सिंगैस किसको कहते हैं? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सिंगैस के बारे में। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। जी सर। ग्रीन ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है? सर दोनों सर ये जो तीनों हैं ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम रिन्यूएबल सोर्स है जहाँ पर जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो नहीं होता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। मरीन रिसोर्सेज है जब हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, और जब हम जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनसे हाइड्रोजन जनरेट करते हैं जहाँ पर कि एमिशन भी होता है उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं सर। आपने संस्कृत पढ़ा है? सर मैंने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है सर। आपने सब्जेक्ट पढ़ा है संस्कृत स्कूल में? जी सर। किस ग्रेड तक, 8th तक या 10th तक? सर 10th तक। 10th तक। तो संस्कृत का कौन सा श्लोक है जो आपको फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी को दिखाता है? कोई एक चीज़ बताइए, बहुत सारे श्लोक हैं, कोई एक चीज़ जो आपको याद हो। सर एक श्लोक जो है संस्कृत का वो ये है सर, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भार भवे। क्या मतलब है इसका? सर इसका जो अर्थ है वो ये है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, और सभी जो है एक तरह से सभी को सुख मिले, कोई भी जो दुख भाव है उसको प्राप्त ना करे सर। नीति श्लोक संस्कृत में बहुत सारे पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में। जी सर। कोई नीति श्लोक याद है आपको? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, नीति श्लोक के बारे में मुझे जानकारी तो मैं एक पढ़ता हूँ, आप उसका मतलब बता दीजिए। जी सर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सॉरी दिस इज नॉट नीति श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सर मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जी सर, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सर मुझे एग्जैक्ट इसके शाब्दिक अर्थों के बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि सिर्फ मन में चाहने से कोई काम नहीं होता, उसके लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। जैसे कि जो शेर है, सिंह है, उसको खुद शिकार करना पड़ता है, मृग उसके पास खुद चल सोते हुए सिंह के मुख में शिकार नहीं आता है। जी सर। अच्छा, आपके फेवरेट उर्दू पोएट कौन है? सर जैसे बशीर बद्र जी हैं और निदा फाजली जी, इनको मैंने काफ़ी पढ़ा है सर। बशीर बद्र? जी सर। बशीर बद्र की कौन सा शेर आपको बहुत पसंद है? सर उनका एक काफ़ी अच्छा शेर है,
उस गज़ल के दो शेर हैं जो मुझे काफ़ी पसंद भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। वो इस तरीके से हैं कि सर ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये दो शेर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं सर उनके। और आप खुद भी शेर व शायरी लिखते हैं? जी सर। आप अपनी कोई दो लाइन बताइए जो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। सर मैं अभी पिछले कुछ समय पहले मैंने गज़ल लिखी थी, उसके कुछ जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो शेर इस तरीके से थे कि राह मंजिल मेरा ही ना दिन सुहाना ना रात चांदनी, अजाब आबला पाही सही मगर कमाल कर, अंजाम गफलत है गमों का गिरदाब, वक्त की नाजुकी हिफाज ख्याल कर। बहुत सारे उर्दू वर्ड आपने यूज़ किए हैं, उर्दू आपको आती है? नहीं सर, मैंने जब इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो जो अधिकांश जो गज़लें लिखी गई हैं उर्दू में लिखी गई हैं, तो वहाँ से जो मैंने कुछ शब्द सीखे हैं उनको मैंने अपनी गज़लों में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। देवेश, थोड़ा सा जी सर विषय बदलते हुए जी सर आपके गृह जनपद पे आते हैं जी सर, अलवर। जी सर। मेन क्रॉप क्या है अलवर की? सर अलवर में मेनली गेहूं और बाजरा ज़्यादा होते हैं सर। सरसों? जी सर, सरसों भी होती है लेकिन कंपैरेटिवली गेहूं और बाजरा सरसों से ज़्यादा होते हैं सर। ओके। और इंडस्ट्री मेन कौन सी है अलवर में? सर सर अलवर में दो मेजर इंडस्ट्री हैं सर। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि अलवर के नॉर्थ ईस्ट एरिए में डेवलप हो रही है NCR की वजह से। अदरवाइज सर जो स्कैटर्ड इंडस्ट्री के रूप पे देखा जाए तो ईंट भट्टे का जो उद्योग है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, वो एक अलवर में काफ़ी फेमस है सर। आपने फादर के प्रोफेशन में भी उसको मेंशन किया? जी सर। उसमें एक आपने जानना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल जो ब्रिक्स हैं जी सर, वो तो सब जानते ही हैं जी सर, ठीक है, मिट्टी से बनती हैं। जो नए तरीके की ब्रिक्स अब बन रही हैं वो कितने प्रकार की हैं? सर पिछले कुछ समय में नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिनके अलग अलग ब्रिक्स बनने लगे हैं, जिसमें सबसे फेमस जो है सर वो कंक्रीट ब्लॉक्स है सर। जो सीमेंट जो होता है उसका यूज़ करके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जो ट्रेडिशनल जो ईंटें हैं उनकी तुलना में हल्के भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं सर। और इसके अलावा सर प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पॉली ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्लास्टिक के कचरे को भी यूज़ करते हैं और उनसे अपने जो बिल्डिंग मटेरियल है वो बनता है सर। इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो फ्लाई ऐश भी यूज़ में आने लगा है, फ्लाई ऐश से भी ईंटें बनने लगी हैं सर अभी। इन सब प्रकार जो विभिन्न प्रकार हैं इसमें कॉस्ट वाइज सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है और स्ट्रेंथ वाइज? सर फिलहाल सर कोस्ट वाइज मैं कहूँगा अभी ट्रेडिशनल जो वे है, जो ट्रेडिशनल ईंट बनाने का वे है, चूँकि अभी भारत में उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं इसलिए अधिकांश ट्रेडिशनल बनती हैं, तो कोस्ट वाइज एक वो ट्रेडिशनल जो ईंटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। स्ट्रेंथ वाइज सर सीमेंट ब्लॉक्स और पॉली ब्लॉक्स की काफ़ी अच्छे माने जाते हैं सर। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जी सर और प्लास्टिक बेस्ड ब्रिक्स, इसकी स्ट्रेंथ की कंपैरिजन आप कर पाएंगे? सर मुझे इस टेक्निकल जानकारी इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगा मैं। अगर आपको DC अलवर बना दिया जाए जी सर, तो तीन इनिशिएटिव अपने ज़िले में आप सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले जो हमारे ज़िले की समस्या है पानी को लेकर के समस्या है, क्योंकि जल जीवन मिशन में केवल 30% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको टैप वाटर मिल रहा है, तो मैं उस डायरेक्शन में काम करूँगा। एक स्वच्छता के सैनिटेशन के उसमें मैं काम करूँगा, क्योंकि अलवर में धीरे धीरे चूँकि औद्योगिक गतिविधि बढ़ रही है इसलिए जो कचरे की समस्या है वो भी बड़े लेवल पर है सर। तीसरा मैं महिलाओं के संदर्भ में काम करूँगा, क्योंकि वहाँ जो
फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी कम है, और ये देखा जाता है कि महिलाएं जो इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनमें काफ़ी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो अगर उनको हम एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला पाएँ, छोटे छोटे इकाइयां करके उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजा जाए, तो वो एक सोशल डेवलपमेंट के एरिए में अच्छा काम हो सकता है। सर, महिला उत्थान के लिए भारत सरकार की इस समय कितनी योजनाएँ हैं और क्या आपके प्रदेश में उनके अलावा भी कोई योजना है? सर, महिला उत्थान के लिए भारत में कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और लाडली लक्ष्मी योजना है, और मैं माफ़ी चाहूँगा सर, लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश की योजना है, लखपति दीदी योजना है भारत सरकार की, एक जो स्टैंड अप इंडिया है उसमें जो महिलाओं को आर्थिक रोजगार के लिए करा जा रहा है। सर, राजस्थान में एक लाडो स्कीम आई है जिसमें कि बच्ची के एक जन्म से लेकर के उनकी शादी तक एक मॉनेटरी जो है ना, मॉनेटरी सहायता दी जाती है, जिसमें साथ ही साथ उनको रोजगार के लिए भी वो स्किल किया जाता है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, कास्ट और सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है? तो कास्ट के दो नुकसान और दो फायदे सोसाइटी के लिए। सर, कास्ट का एक बड़ा नुकसान जो है वो जो जातिवाद के तौर पर देखा जाता है कि वहाँ पे अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता एक समस्या आती है। दूसरा जो एक तरीके से जाति में ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो एक जो सोशल हारमोनी है उसको लेकर के वो ख़राब करता है। सर, दो जो नुकसान दूसरा दो जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि जैसे आजकल काफ़ी जो जाति समूह हैं वो एक साथ संगठित होकर अपने समाज के लिए उत्थान के लिए काम करते हैं, जहाँ पे जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, तो एक मैं ये चीज़ देखता हूँ। और सर, सब जातियों के एक अंतर्निहित महत्व के तौर पर देखा जाए तो सब जाति के अपने अपने नियम हैं, तो वो एक जीवन में एक अनुशासन के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि सर, विष्णुई समाज में प्रकृति प्रेम का भाव है, तो इस तरीके से जो नियम हैं वो समाज के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सर, थैंक यू सर। पहले मुझे फिलॉसफी एंड साइंस जी सर दोनों का कनेक्शन समझाइए। सर, फिलोसोफी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिलोसोफी को मदर ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है, कि हम जो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें जब अल्टीमेट लेवल पर पहुंचते हैं तब हम उसके रीजंस की या फिर हम जब खोज करने लगते हैं कि क्योंकि बात करने लगते हैं कि किसी की चीज़ की शुरुआत क्यों हुई, किसी चीज़ का अंत कैसे होगा, तो उस सेंस में हम बात करते हैं। तो फिलोसोफी और साइंस में ये कंपेरिजन है सर मेरी। आजकल की दुनिया में फिलोसफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या साइंस? सर, अपनी अपनी जगह सर, दोनों ही मैं कहूँगा कि दोनों ही जरूरी है। अगर एक करना हो तो क्या करें? सर, अगर एक करना होगा तो मैं सर फिलहाल साइंस को करूँगा सर। सर, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के उसमें देखा जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है अभी, कई हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका विज्ञान के द्वारा। अगर मैं उल्टा कहूँ कि साइंस जितने जवाब खोज रही है, आंसर्स, जी सर, फिलॉसफी उतने ही सवाल उठा रही है। जी सर। तो साइंस फिलॉसफी के पीछे भाग रही है या फिलॉसफी साइंस के पीछे भाग रही है? सर, मेरा मानना है कि ये दोनों ही साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब हम एक किसी एक अप्रोच को बड़ा मान लेते हैं तब हमें ये दोनों एक दूसरे विरोध में दिखाई देती हैं, अदरवाइज ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सर, मान लिया मैंने जी सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा और स्पेसिफिक था। जी सर, इज साइंस चेजिंग फिलॉसफी और फिलॉसफी चेजिंग साइंस? सर, साइंस चेजिंग फिलॉसफी। सर, तो कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिलॉसफी या साइंस? सर, अगर हम एक लेवल तक देखें तो साइंस जरूरी है, लेकिन एक लेवल के बाद जब हम एक आत्मावलोकन की स्थिति में आते हैं या फिर किसी चीज़ का मूल जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ फिलोसफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सर, सूफी म्यूज़िक के पीछे क्या फिलॉसफी है? सर, सूफी म्यूज़िक के पीछे सर जनरली जो ईश्वर है उसके प्रति एक डिवोशन का भाव है सर, तो ये सूफी जो म्यूज़िक है उसकी मेन। तो सूफी फिलॉसफी एंड भक्ति फिलॉसफी में क्या अंतर है? सर, जनरली सर दोनों ही जो अपने अपने एरियाज हैं
उसमें एक तरह से डेवलपमेंट या फिर आत्म जो भाव है और उसको एनरिच करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सूफी में सर ईश्वर के या फिर इस्लाम जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ बढ़ने की कोशिश करते हैं, और सर भक्ति मूवमेंट में भी है कि हम भगवान के प्रति जो है माशद्दा का भाव पैदा करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल, एक बहुत ही फेमस शेर है जो नॉर्मली लोग मानते हैं कि बहादुर शाह जफर ने लिखा था, जी सर कुछ याद कर पा रहे हैं? लेकिन लिखा किसी और ने था सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसा चीज़ याद नहीं कर पा रहा। जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बताता हूँ। जी सर। जवाब में यू टेल मी द रोमांटिक मीनिंग एंड द फिलोसफिकल मीनिंग इस शेर का। जी सर। ठीक है, ये शेर एक्चुअली लिखा है सीमा अकबराबादी ने, जी बट नॉर्मली मिस्टेकन के बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ। जी सर। शेर है कि उम्रे दराज बांध के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। जी सर। द रोमांटिक मीनिंग एंड द फिलोसफिकल मीनिंग, उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। सर इसका एक रोमांटिक मीनिंग किसी के इंतजार के संदर्भ में हो सकता है कि कुछ समय का जो इंतजार था वो एक तरह से एक इच्छा में वो पूरे हो गए, और दूसरा हमने कोशिश करी उसे पाने की लेकिन हम वो पा नहीं पाया। और इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग ये है कि सर मैं एक मिनट के लिए सोचना चाहूँगा। सर इसका जो फिलोसॉफिकल मीनिंग में जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि किसी भी चीज़ का हम जब वेट करते हैं तो एक तरह से जो एक्शन लेने में जो एक देरी जो है वो मैं इस सेंस में समझ पा रहा हूँ सर, कि किसी भी चीज़ की हम पहले इच्छा करते हैं उसके बाद हम प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं उस चीज़ का, तो फिर वो चीज़ हमें एक इंतज़ार के तौर पर ही देखने को मिलती है। सर थैंक यू। देवेश एक और शायरी, ठीक है। दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों से भी राय ली जाए। जी सर। ठीक है, करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इससे मतलब निकाल पा रहे हो? सर ये करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये शेर काफ़ी अच्छा जोड़ता है सर। जैसे कि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के कई देशों से अभी रिलेशन है, और जिस तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो हमें जब भी हम किसी देश से संबंध बढ़ाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि उस देश के किसी और के साथ संबंध कैसे हैं, या फिर जो जिस तरह का वो देश की अप्रोच कैसी है किसी देश से रिलेशन बनाने में। आप टू द पॉइंट बताइए कि भारत इसको कहाँ पे, वेयर इंडिया इज यूजिंग इट, आर वी यूजिंग दिस फिलोसफी? सर जैसे मिडल ईस्ट के सेंस में देखा जा सकता है सर, कि मिडल ईस्ट के देश में जो भारत काफ़ी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है अभी, तो वहाँ ये देखना चाहिए कि वहाँ देशों के आपसे संबंध कैसे हैं, उनकी अप्रोच कैसी है इंडिया को लेकर। सर ओके। शायरी और गज़ल जी सर क्या डिफरेंस है? सर शायरी एक बड़ा डोमेन है, गज़ल शायरी के अंतर्गत उर्दू कविताएं लिखने को शायरी कहा जाता है सर, जिसमें काफ़ी अलग अलग जैसे शेर कहे जाते हैं, रुबाइयां, मसनवी, उसमें गज़ल भी एक विधा है सर, तो शायरी एक बड़ा डोमेन है, गज़ल उसके अंतर्गत कही जाती है सर। ओके। इसमत चुगताई, मंटो जी सर, इनको आप किस तरीके के पोइट्स मानते हैं? सर मैंने इसमें चुगताई के बारे में नहीं पढ़ा है, मंटो के बारे में मैं कुछ जानकारी रखता हूँ। इन्हें मेनली सर मैं एक तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है और उस पर व्यंग करने के तौर पर मैं इन पॉइंट्स को देखता हूँ सर। ओके। फिलोसफी में इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। ओके जी सर। ठीक है। हैप्पीनेस जी सर, हैप्पीनेस हिंदी में मैं नहीं बोल पाऊँगा, हैप्पीनेस क्या है, कि कुछ केमिकल्स ब्रेन में फ्लो हो रहे हैं या कुछ और ज़्यादा है इससे? सर अगर हैप्पीनेस को हम आनंद के संदर्भ में देखा जाए, भारतीय संदर्भ में आनंद के तौर पर देखा जाए, तो केमिकल्स के अलावा ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम आंतरिक तौर पर खुश होते हैं, तो एक आनंद से ये चीज़ जुड़ती है सर। थोड़ा एलैबोरेट कीजिए इस पर। सर जैसे केवल केमिकल सेंस में देखा जाए तो हम ऐसे समझते हैं कि जो भी शरीर में केमिकल परिवर्तन होते हैं वो किसी खुशी के तौर पर होते हैं। आनंद एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे संतोष का भाव होता है सर, जहाँ पे जो जेलसनेस है, ईर्ष्या है, ये सब भाव खत्म होके हम सबकी खुशी के लिए चाहते हैं, जैसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, तो वो इस सेंस में मेन अर्थ है सर। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या रैंकिंग है?
सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगा। टेक्निकल एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज़ वाली जो एजुकेशन है जी सर, ये अक्सर देखा जाता है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट दे आर लैकिंग इन टेक्निकल नॉलेज, और टेक्निकल वाले बच्चे दे आर लैकिंग इन ह्यूमैनिटीज़ नॉलेज। जी सर, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ किया गया है इसके लिए? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी चेंज किए गए हैं, जहाँ पर जो हम एक सब्जेक्ट को देखने का जो दायरा है फिर बाउंडेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैचलर ऑफ साइंस है, इसमें केवल अब ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी जैसी चीज़ें ही पढ़ें, हम ये हो सकते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें पढ़ें, हमें डिग्री उस की मिल जाएगी। तो जो सब्जेक्ट को लेकर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काफ़ी अच्छा काम किया है सर। ओके, आखिरी बात देवेश, किसी शायरी में कन्विंस कीजिए कि आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा के लिए सर मुझे फिराक गोरखपुरी जी की एक शायरी ध्यान आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि गालिब वो मीर मुसफ़ी, हम भी फिराक कुछ कम नहीं। तो ये एक शेर मैं याद कर पा रहा हूँ सर, फिराक गोरखपुरी जी का। थैंक यू देवेश। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू कब है सर? 7 फेब को है सर। 7 फेब। 7 फेब, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। जी सर, हमारे ख्याल से अब कितने मॉक्स कर चुके हैं? सर ये मेरा 7th मॉक है सर। 7th मॉक है, तो हमारे ख्याल से अब मॉक्स का जो सिलसिला है उस पर आप विराम लगा दें। जी सर, क्योंकि मॉक्स में जो आपको सलाह मिलती जाती है उससे भी कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। जी सर, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। जी सर, अब आप बिल्कुल शांत माइंड से आप जाएंगे और पॉजिटिव माइंड सेट लेकर जाएंगे, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। देखिए इसमें दो राय नहीं है कि ये टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जी सर, तो उसमें इंटेग्रिटी देख रहे हैं। जी सर, तो गेसिंग और ब्लफिंग जो है आउट, बिल्कुल आउट है, नो ब्लफिंग और गेसिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जी सर, अगर नहीं आता है तो साफ कह दें कि नहीं आता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। जी सर, नो वन इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो टू नो एवरीथिंग। जी सर, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। जी सर, और वो ये देख रहे हैं कि आपके पास बैलेंस्ड ओपिनियंस हैं, लॉजिकल थिंकिंग है, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। जी सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉइज है या नहीं है, और अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी सर, अपने बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड, इन सब के बारे में कितनी अवेयरनेस है। जी सर, तो अब जो टाइम बचा है इसमें तो थोड़ा सा ये देख लें, जो प्रश्न आते हैं वो 3-4 मेन एरिया से आते हैं, डैफ से आते हैं, करेंट इवेंट से आते हैं। जी सर, सब्जेक्ट से आते हैं और जॉब से आते हैं। जी सर, तो इन पर पकड़, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग कह नहीं सकते, अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जी सर, पर इन पर जो है पकड़ वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। जी सर, और थोड़ा सा आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टाइप के A4 साइज शीट्स लेकर। जी सर, से 25 A4 साइज शीट्स लिए आपने, और फिर इन 4 स्रोतों से जो प्रश्न आते हैं उनका संभावित प्रश्न, उनका एक क्वेश्चन बैंक बना लिया। जी सर, और फिर उस पर विचार किया, उस टॉपिक पर कम्प्लीटली मास्टर किया उस टॉपिक को, और फिर बुलेट पॉइंट्स बनाए। जी सर, अब हम आप और बुलेट पॉइंट्स को फिर प्रैक्टिस किया इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, बुलेट पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और फिर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर प्रैक्टिस किया कि मैं किस तरीके से इसको डिटेल में बताऊंगा, बट नॉट मोर देन 75 to 90 seconds टाइम कर लीजिए। वीडियोग्राफ भी कर सकते हैं आप। जी सर, अब मान लीजिए आपके पास ये प्रश्न आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। जी सर, और आपसे कहा गया 3-4 वाक्यों में इसको। जी सर, इसको बताएं। सबसे पहला आपका वाक्य होगा कि ये जो शब्द है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द जो है 4.0, ये क्लॉस श्रॉब ने, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर है, 2016 में इसको पॉपुलराइज किया था, इसके बारे में विचार किया था। जी सर,
बताया था लोगों को, और इसका मतलब ये है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स की जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, वो अब ब्लर कर रही है। ब्लर का आप देख लीजिए, माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड, जी सर, धूमिल जी सर, दैट्स वेरी नाइस, धूमिल सम्मिश्रित। और आखिरी जो होगा वो ये कि जो इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जी सर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग, जी सर, एडवांस रोबोटिक्स, जी सर। तो आपने तीन वाक्य में जो एसेंशियल चीज़ है वो कवर कर दी, जी सर। तो तह तक जाने की ज़रूरत है। एक और उदाहरण ले लें, डिजिटल रुपी, यूपीआई और डिजिटल रुपी में एसेंशियल फ़र्क क्या है? यूपीआई में यू नीड अ बैंक अकाउंट, जी सर, डिजिटल रुपी डू नॉट नीड अ बैंक, जी सर। तो एकदम से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है वो उसका दायरा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जी सर, डिजिटल रुपी की वजह से, जी सर। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ऑलरेडी यू विल बी एबल टू आर्टिकुलेट किस तरीके से करना है। थोड़ा सा अपीयरेंस में टोटली क्लीन शेवन, और बाल जो है वो अच्छी तरीके से टाइडली, जी सर, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया करेंगे आप, नो डाउट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो डाउट। मुझे एक सवाल पूछना था, जी सर, ये इतने सारे मॉक्स आपने किए हैं, जी सर, उसमें कभी आपको एडवाइस किया गया है कि योर वॉइस लेवल इज़ टू लो एंड इट इज इट नीड्स टू बी लिटिल ऑगमेंटेड, थोड़ा सा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं सर, ऐसा मुझे कहीं कहा तो नहीं गया, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं मेरा थोड़ा लो था, काफ़ी लो था, बाकी मुझे ऐसा कभी। और नॉर्मल आपका टोन यही है बातचीत करने का, या अभी थोड़ा सा थिन हो गया है वॉइस ज़्यादा? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो यही है मेरा बात करने का जो तरीका है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, उससे शायद असर बेटर आएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत स्टिफ पोस्चर में आप बैठे हुए, ऐसे आप जैसे बैठे हुए हैं आराम से वैसे बैठे, जी सर। और प्रायोरिटाइजेशन ज़रा करें, 99% ऑफ पीपल हु कम हियर व्हेन दे आर आस्क्ड के सिविल सर्विसेज क्यों पसंद करते हैं आप, क्या आकर्षण है? डाइवर्सिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पब्लिक फॉर पब्लिक वेलफेयर। ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आपको, ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? जी सर, फ्रॉम डे वन यू आर इंटरेक्टिंग विद कॉमन सिटीजन एंड एड्रेसिंग हिज प्रॉब्लम्स, जी सर, और लेटर ऑन यू आर हेल्पिंग टू फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसी, जी सर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, जी सर, थैंक यू सर, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर।